प्रेस कॉन्फ्रेंसमा। रेट ऑफ इन्फेक्शन के रूप में 16.4%, बढ़ते बढ़ते 28%, फिर 44% और अधिक बढ़ते बढ़ते 54.6% तक केस पॉजिटिविटी वहां पर पहुंच चुकी थी। जब स्टेट गवर्नमेंट के स्थाई पर उन्होंने शुरू में होम क्वारंटाइन भी शुरू किया, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई, लेकिन तब भी केसेस में बढ़ोतरी चलती जा रही थी। उस समय पर जब रायपुर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट मेजर इम्पोज किए फ्रॉम अप्रैल 9 ऑनवर्ड्स, तब भी जैसे कि हम हमेशा बताते आए हैं कि कोई भी कंटेनमेंट एफर्ट जब हम फील्ड पर करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में करीब 14 दिन लगते हैं। 7 से 14 दिन में उसका इम्पैक्ट हम फील्ड पर फील कर सकते हैं। हमें इंटरमिंगलिंग रोकने का जब पर्सनल लेवल पर काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट आने में टाइम लगता है। तो उसके साथ ही आप देखेंगे तब भी केसेस में एक बढ़ोतरी हुई, लेकिन क्योंकि फील्ड लेवल पर ये कंटेनमेंट एफर्ट जारी रहे, स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेजर्स जारी रहे, इंटरमिंगलिंग ऑफ पीपल को अवॉइड किया गया, तो आज जब कंटेनमेंट एफर्ट्स वहां पर आज भी चल रहे हैं तो हम देखें कि 4168 की जो पीक आई थी वह कम होते होते अब काफी हद तक वहां पर केसेस कंट्रोल हो रहे हैं। और मुख्यतः हम देखें कि जहां एक तरफ 54.6% केस पॉजिटिविटी थी वह घटते घटते 19.3% हो गई है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इन एफर्ट्स पर काम करते रहें। कंटेनमेंट एक मुख्य अप्रोच है हमारी जिसके तहत हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं। साथ ही हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि क्या जरूरी है कि हम एडवांस एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें, ताकि हम केसेस को मैनेज कर पाएं। इस विषय में जैसे कि हमारे मीडिया के कुछ सहयोगियों ने ऑलरेडी इस विषय को हाईलाइट किया है, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई देखी गई तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। तो देश में 3 दिवस में केस में सारो घटाड़ो थयो होवानो दावो आरोग्य विभागे कर्यो छे।